हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने नए टॉपिक के साथ फिर आ गया हूँ और आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ अमेज फिट बैंड। सो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम इसको ओपन करेंगे। सो यहाँ पे इसकी टेप लगी है, सो मैं इसको सिंपली ओपन करूंगा। यहाँ पे इसको हमें जस्ट इसको खींचना है और यहाँ से बॉक्स आ जाता है हमारा दूसरा वाला। सो गाइस, यहाँ पे मुझे एक यूजर मैनुअल दिया है, अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो ये रहा। इसके बाद गाइस यहाँ पे आ जाती है हमारी वॉच। सो गाइस, मैं इसको आपको मैं चला के दिखाऊंगा, इसका रिव्यू भी दूंगा और इसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो मैं आगे चल के वीडियो में दूंगा। पहले हम अनबॉक्सिंग से कम्प्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, इसको मैं अभी रखूंगा साइड में और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुझे मिलता है इसका मैग्नेटिक चार्जर। जी हाँ गाइस, इसके साथ हमें मैग्नेटिक चार्जर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है और चार्जर की लेंथ भी काफी अच्छा है। सो ये घड़ी तो मुझे काफी अच्छी लगी। सो गाइस, अब चलते हैं हम इस घड़ी के फंक्शंस पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। सो आपको कुछ मेन फीचर्स इसके यहाँ पे दिख जाएंगे और बाकी मैं आपको घड़ी को ओपन करके दिखा देता हूँ कि घड़ी के कैसा इंटरफेस है, वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ वीडियो के। सो गाइस, हम घड़ी को क्लोज से देखें तो घड़ी दिखने में काफ़ी कम्पैक्ट और काफ़ी अच्छी लगती है। सो गाइस, मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, इसका ये वॉलपेपर है जो कि मैंने ही सेट किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 70+ स्पोर्ट्स मोड है, आप अलार्म सेट कर सकते हैं इस घड़ी में जो कि ऐड बटन को दबा के। इसमें हार्ट रेट मेजर होता है और सिंपली आपको बस स्वाइप करना है और इसके पीछे आप देख सकते हैं इसके सेंसर्स। सो गाइज, इसके सिवा भी इसमें बहुत सारे फीचर है, आपको मैं एक के बाद एक दिखाता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं म्यूज़िक कंट्रोल, आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये PAI वाला फ़ीचर आ जाता है और आप वेदर भी इसमें देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको आ जाता है ऑक्सीजन मॉनिटरिंग प्लस स्ट्रेस मेजर भी करना आ जाता है इस घड़ी में। सो गाइज, ये अभी मेरा स्ट्रेस मेजर कर रहा है पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था। गाइज, इसकी एक सबसे बड़ा फीचर जो कि इसमें आप एलेक्सा भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करके। सो गाइज, दैट्स ऑल। इसमें मैं आपको वॉलपेपर सेट करना दिखा देता हूँ। सो गाइज, जैसे आप कर सकते हैं इसका वॉलपेपर सेट, प्लस आप इसके फ़ोन से भी और नए नए वॉलपेपर्स डाउनलोड करके भी सेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये इसका नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पे आप और भी फीचर्स आपको मिलते हैं, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। इसमें फीचर्स तो काफ़ी सारे हैं गाइज, इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल लेवल भी काफ़ी अच्छा है, आप कहीं सन में हो तो आप ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको DND मोड भी मिलता है जो कि आप कस्टम सेट कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शेड आ जाता है। सो गाइज, अभी मैंने आपको घड़ी का इंटरफेस और घड़ी की काफी सारी चीजें बता दी है। गाइज, इस पे मुझे एक इश्यू आया जो कि है बैटरी ड्रेन इश्यू। मींस गाइज, जब मैंने इसे ऑर्डर की थी अमेजोन से तब तो ये बहुत ही अच्छी चल रही थी। जैसे ही इसके तीन महीने क्रॉस हुए, 3 महीने के बाद ही इसके कुछ इश्यूज आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखे रखा था कि 14 डेज की बैटरी इसकी चलती है, पर गाइज ऐसा मुझे नहीं लगा क्योंकि 3 महीने बाद इसकी बैटरी एक दिन में उतर जा रही थी, एक दिन भी अच्छे से नहीं टिक रही थी भले ही मैं उसका 100% चार्ज कर देता था। सो गाइज, इसकी मैंने कंपनी को भी इसकी मैंने रिपोर्ट किया है। सो गाइज, देखते हैं मुझे कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। बाकी गाइज, घड़ी तो ये काफी अच्छी है, दिखने में काफी कॉम्पैक्ट लग रही है और काफी अच्छी भी लग रही है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारी चैनल पसंद आई सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।